वेलकम टू माय चैनल ठीक है नॉलेज। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि एक उधारी की ऐप है। यानी कि यदि आप एक दुकानदार है और आप अपने उधारी के बही खाते रखते हैं या आप किसी डायरी में एंट्री करते हैं तो आपके लिए ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है। शायद आपने इसको ऐप के बारे में भी जानकारी होंगी या हो सकता कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे, फिर भी मैं इस ऐप का रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल और इजी ऐप है जो कि उधार लेन देन खातों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से अपने उधार लेन देन का रिकॉर्ड रख पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। बहुत सिंपल ऐप है, तो जानते हैं इस ऐप के बारे में कि कौन सी ऐप है। और दोस्तों इस ऐप की खास बात ये भी है कि यदि आप किसी भी कस्टमर का लेन देन इसमें एंट्री जब करते हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए उसे तुरंत SMS भी चला जाता है। जो भी वो अगर एंट्री में आपके पैसे जमा करवाता है तो इसका भी टेंशन की बात नहीं है कि आपने कब पैसे दिए और कितने जमा कराए। और इस ऐप के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से सभी चीज़ का लेन देन का इजीली हिसाब रख पाएंगे बिना किसी झंझट के। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि डायरी कॉपी खो जाती है या किसी कारण से फट जाती है और एंट्री में आपको दिक्कत होती है कि क्या हिसाब था, तो इस ऐप के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से सभी का रिकॉर्ड रख पाएंगे। जो कि उधार लेन देन पर आधारित ये ऐप है और बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एक बात, ख़ास बात और, कि अगर आपका हैंडसेट किसी कारण से चोरी हो जाता है, टूट जाता है, तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करें और फिर से अपना जो पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था वही आप इंटर करें, आपका एज इट इज़ रिकॉर्ड इस ऐप में वापस से आ जाएगा, जो कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक यूज़फुल ऐप है। चलिए जानते हैं इस ऐप के बारे में, क्या है इसमें फीचर्स और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जानते हैं इस ऐप के बारे में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और इसमें आपको जो दोस्तों सर्च करना है ओके क्रेडिट। ध्यान रहे दोस्तों, इसको पूरा एक ही वर्ड में लिखना है ओके क्रेडिट, ना कि स्पेस देना है। उसे आप जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका सिंबल है ग्रीन कलर का और इसकी आप रेटिंग भी देख सकते हैं। मैंने पहले इसे इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपके पास ये कई लैंग्वेजेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस ऐप को हिंदी, मराठी और भी कई लैंग्वेजेस है। फिर आपको फ़ोन नंबर इंटर करना है तो ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। फ़ोन नंबर आपका जो भी है टाइप कर दीजिए। एक OTP आएगा इस नंबर पे, आप जो भी मोबाइल नंबर इंटर कर रहे हैं इसमें। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली OTP आ जाता है दोस्तों और ये फिल ऑटोमेटिकली कर लेता है। आप टॉप पर देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर इंटर किए वो आ गए और कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। नमस्कार, ओके क्रेडिट में आपका इस तरह से कस्टमर को ये पूरे आपको स्क्रीन पे देख रही होंगी कि अगर आपको किस तरह से न्यू कस्टमर ऐड करने हैं पूरी जानकारी। हो गया काम, उधार का 3 डॉट्स पे क्लिक करके अकाउंट हेल्प ये सब इसमें आप कर सकते हैं। ऐड कस्टमर सबसे बॉटम में आपको देख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। आप किसी भी कस्टमर का नाम इंटर कर सकते हैं और ओके, ये आपका एक कस्टमर का नाम इंटर हो गया। इसी तरह से कई कस्टमर्स के आप नाम ऐड करते जाइए और जब आप लिस्ट में कस्टमर का नाम आ जाए इस तरह से। मैंने जैसे एक नाम डाला था मनोज, अब इसमें मैं आपको क्रेडिट करना है, एक्सेप्ट पेमेंट दे रहा है जो भी कस्टमर है, क्रेडिट जो भी कर रहे हैं आप। ये जैसे एक अमाउंट डाल दिया मैंने, क्लिक कर दिया,
ये 400 रुपये ड्यू है। ये इसके जिस तरह से व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सेम ऐसे इंटरफेस है, मैसेज और क्या दिया लिए वो सारी मैसेजेज इसमें इस फोल्डर में देखेंगे मनोज नाम के। तो बैलेंस 700 रुपये का ड्यू आ गया। अब अगली बार यदि ये कस्टमर आता है और आप पेमेंट देता है तो एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। मान लो 100 रुपीज़ दिया, टिक के निशान पे यहाँ आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपका आ गया 100 रुपीज़ ग्रीन में और नीचे ड्यू आ गया 300 रुपये, बैलेंस 300 रुपये बाकी। इस तरह से आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। पेमेंट ड्यू हर कस्टमर की इसी तरह से आपको लिस्ट जब आप बना लेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, टोटल लिस्ट कस्टमर्स की, और सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल ऐप है, इसका आप यूज़ करें और अपने उधार भाई खातों का लेन देन रख सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।